हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मृति 9665। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आप लोगों से मैं एक बहुत जरूरी बात कर रही हूँ, दैट मेरा न्यू ब्लॉग आ चुका है, गो एंड वॉच। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दैट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब एंड आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी गाइस, तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है फॉर द ओली। दिल्ली से हमने शताब्दी ली, देहरादून पहुंचने के बाद हमने कैब बुक की। हम ओली के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और अब शाम हो रही है। एज यू गाइज कैन सी कि अब शाम हो रही है और हमें प्रयागराज में रुकना पड़ेगा। प्रयागराज में हम रुक गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग ओली के लिए निकल गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ़ोटो क्लिक कराना तो मैंडेटरी है। वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग कितना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। चंचन एंड टन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ोटो तो हम ज़रूर क्लिक कराते हैं। गाइज़ यू नो, हम लोग रास्ते में रुक रुक कर मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, नाच रहे थे। गाइज़ हमें प्रयागराज से हम 6 बजे अर्ली मॉर्निंग निकले थे और 2:30 बज रहे हैं, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। बस ऐसे क्योंकि हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे, इतनी जल्दी कहाँ से पहुँच जाते। यहाँ पर आप लोग मेरा पागलपन देख सकते हैं, मैं कैसी हूँ। बन रही है, जाओ भाभी आप भी जाओ। गाइज हम लोग जोशीमठ पहुंच चुके हैं और जोशीमठ से 14 किलोमीटर ओली है। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट ओली पहुंच रहे हैं। अब ओली पहुंचते पहुंचते अब हमें शाम तो हो ही गई है, बट हमें लगता है 14 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब ओली का जो भी वहाँ का नज़ारा है, वहाँ पहुँच कर आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली वी रीच्ड ओली। हम लोग ओली पहुंच चुके हैं और ये हमारे रिजॉर्ट के आसपास का एरिया है। शक्ल तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग कैसे हो गए हैं, थक गए हैं बिल्कुल। थकना तो था ही गाइस, क्योंकि ओली जो है पूरा 1 दिन लगा था देहरादून से हमें। टाइम पर बुकिंग वगैरह तो चल नहीं रही थी, तो यहाँ पर लोग नहीं थे, तो हम लोग भी ऐसे फटीचर से लग रहे थे।
आगे की मस्ती हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, देखें आप लोग आगे। अगेन बताने की ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। गाइस आप लोगों ने 100% एंजॉय किया होगा। अब हम आगे घूमते हैं। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान के नू पुकारेंगे किवे, करोगे जे करोगे जे दगा करोगे साड़ी वाली मौत तुसी। अब हम लोग चेयर लिफ्ट से ओली से भी ऊपर घूमने के लिए जा रहे हैं। चेयर लिफ्ट इज रियली वेरी ऑसम, बट डर भी लग रहा था, बट हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे। एक बार आप लोग व्यूज भी देख लो कि चेयर लिफ्ट और बैठने के बाद लगता कैसे है। देखो देखो कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है दिखने में। हम लोगों की खुशियों को देखो आप लोग, हम लोग कितना खुश है आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। ये रहा चेयर लिफ्ट, इसी के थ्रू हम लोग ओली से भी 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर छोटी मोटी शॉप है, यहाँ से कुछ लेकर खा रहे हैं। मस्ती, फोटोशूट, ट्रैकिंग सब कुछ हमने यहाँ से शुरू कर दिया। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का बहुत फेमस आर्टिफिशियल लेक है। गाइस ये भी बहुत शौकीन है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। सितंबर के मंथ में गए थे तो यहाँ पर बर्फ़बारी तो नहीं थी, पर हमने बहुत इन्जॉय किया। अब इन्हें बताने की तो ज़रूरत है नहीं गाइस, ये मेरे हस्बैंड हैं। अब तक हम लोगों को आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया, अब आगे और बर्दाश्त करो।
अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ, जिद छोड़ो जी, जूते लाओ, फ्रॉड है क्या हम, तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम, जो भी मानो, जो भी मानो, जो अब इधर हो जाओ। गाइस अब यहाँ का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का व्यू देखिए कितना ऑसम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं अर्ली मॉर्निंग का व्यू क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ। एज यू गाइस कैन सी कि कितना ऑसम प्लेस है यार ये। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बहुत ही सैडनेस के साथ, ओली को हमें बाय बाय करना पड़ रहा है। बट आप लोग को जाते जाते ओली का व्यू ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ का एक्चुअल व्यू क्या है। बाय बाय ओली, वी विल मीट यू सून, मिस यू सो मच। अब हमें बहुत ही सैडनेस के साथ ओली को बाय बाय बोलना पड़ रहा है। अब गाइज यहाँ तक आए हैं तो मसूरी भी घूम लेते हैं, चलो मसूरी देखते हैं। ये मसूरी के रास्ते से देहरादून का व्यू है, देखें आप लोग। हमने सोचा भाई इतनी दूर आए हैं तो मसूरी भी चलो घूम कर आते हैं, मसूरी भी बहुत बढ़िया है। फाइनली हम लोग मसूरी के होटल में पहुँच चुके हैं और फ्रेशन अप हो चुके हैं। यहाँ भी सेम फ़ोटो शोटो लेना तो बनता ही था, तो फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये मसूरी के माल रोड का सारा व्यूज़ है गाइज़। फाइनली हम लोग मसूरी के सबसे फेमस जगह कंपनी गार्डन पहुंच चुके हैं। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप अपना बढ़ाते हैं। अब हम मसूरी में ही कैम्प्टिक फॉल पहुंच चुके हैं जो कि बहुत फेमस है।
बस फोटो शोटो ले लिया, वीडियो तो बना नहीं पाए गाइस, सॉरी। ये ब्लू टी शर्ट वाले हमारे ड्राइवर भैया हैं जिन्होंने हमें वापस देहरादून छोड़ दिया। अब हमें मसूरी को भी बाय बाय बोलना पड़ेगा और वापस दिल्ली आना पड़ेगा। गाइस ये वहाँ के बेस्ट ड्राइवर हैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट करना मुझे। गाइस सो होपफुली आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को बहुत इंजॉय किया होगा। एंड गाइस अगर आपने रियली मेरे ब्लॉग को इंजॉय किया है तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को उतना ही प्यार देना, उतना ही सपोर्ट करना जितना आप लोग मुझे टिकटॉक पर करते थे। सो गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टिकटॉक बंद हो चुका है, बट नॉट एन इशू बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे देश के लिए हो रहा है, हमारे कंट्री के लिए हो रहा है, वो होना भी चाहिए। जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को उतना ही सपोर्ट देना, उतना ही प्यार देना जितना आप लोग मेरे टिकटॉक वीडियो को देते थे, और इसको उतना ही आगे करना। गाइज आप लोगों को अगर कुछ कहना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। एंड गाइज एक और बात, ओली की मेरे पास बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं थे बट जो भी छोटी मोटी क्लिप थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसको उतना ही प्यार देना जितना आप लोग मुझे पहले देते थे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।